और उससे बने हुए जो केमिकल्स हैं, अपन उसके बारे में आज बात करेंगे। तो मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले किसी को किसी टॉपिक में डाउट है, कोई चीज जो लास्ट क्लास तक में समझ में नहीं आई, तो फटाफट पूछ लो, अपन पहले उसको बात कर लेंगे। लास्ट क्लास तक में कोई चीज समझ में नहीं आई है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। डन है? चलिए ठीक है। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और फटाफट से आज की कहानी शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन शुरू किया था कि भैया सॉल्ट्स कितने टाइप के अपने पास हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में बेसिकली हम लोगों ने बात कर ली थी। आज अपना मोटिव है कि भैया जितने भी सॉल्ट्स के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें बनती हैं उन सब के बारे में डिस्कस करना, केमिकल्स के बारे में डिस्कस करना। तो मैं फटाफट से अपन आते हैं केमिकल्स पे। सो आज अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स। हमारे सिलेबस में है कि भैया कॉमन सॉल्ट से जो जो केमिकल बनते हैं उसके बारे में बात करने के लिए, कौन कौन से केमिकल्स हैं जो कॉमन सॉल्ट पे डिपेंड करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कॉमन सॉल्ट होता क्या है। सो देखो भाई साहब, कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट कुछ अलग नहीं है, जिसको हम खाते आए हैं, जिसको आज तक हम नमक बोलते हैं, उसको हम पूरे तरीके से जब हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में या साइंस के लैंग्वेज में बात करते हैं तो बोलते हैं दैट इज अ कॉमन सॉल्ट, जिसको हम सिंपली सॉल्ट बोल के काम चला लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली कॉमन सॉल्ट अपने पास क्या चीज है, तो अगर हम केमिकली बात करें कि ये कौन सा कंपाउंड है, क्या है, तो हमने बहुत बार इस पर डिस्कशन किया है कि भैया कॉमन सॉल्ट कुछ और नहीं बल्कि हमारा प्यारा सा सोडियम क्लोराइड है। तो कॉमन सॉल्ट क्या है भैया? सो कॉमन सॉल्ट अपने पास क्या है? NaCl है। ठीक है, अब बात आती है कि भैया NaCl अपने को मिलता कैसे है। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? तो देखो NaCl दो तरीके से मिलता है अपने को। एक तो मिलता है दैट इज रॉक के फॉर्म में, पत्थर के फॉर्म में, और एक हमें मिलता है दैट इज पाउडर्ड फॉर्म में, जो हम पैकेट में लेके आते हैं टाटा सॉल्ट और ये जितने सॉल्ट हैं वो फॉर्म में, दैट इज वाइट इज। सो दो तरीके कौन से? तो ऐसे आसान भाषा में समझो कि जो पत्थर के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, जो पत्थर के फॉर्म में मिलता है, जो काला नमक, जो काला नमक वाली कहानी है, दैट इज अ काइंड ऑफ कॉमन सॉल्ट जो कि पत्थर के फॉर्म में मिल रहा होता है। ठीक है, और जो दूसरा वाला अपने पास है दैट इज वाइट इज सॉल्ट, जो हमको समुद्र से मिलता है वो है। सो देखो हुआ क्या कि समुद्र वाला तो हमको पता है, ये पत्थर वाली की कहानी क्या है। सो पत्थर वाली की कहानी देखो, ये नीचे में दिया हुआ है। होता क्या है कि डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ वर्ल्ड। ये जो सॉल्ट्स है, हुआ क्या कि मान लो समुद्र सूख गया फॉर अ टाइम बीइंग, समझो ऐसे, ठीक है, ठीक है, मान लो समुद्र सूख गया या कहीं पे भी जहाँ पे नमक है वो सूख गई हुई जगह, तो वो क्या बन जाएगा? पत्थर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आसान भाषा में समझो कि भैया बहुत जगह पे सॉल्ट जो होता है कॉमन सॉल्ट, वो डिपॉजिट हो गया, उसको हम निकालते हैं। तो जब निकालते हैं तो बड़े बड़े पत्थर के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में वहां से निकलता है, और इसी को हम क्या बोल लेते हैं, तो एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज अ रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्यों बोलते हैं? पत्थर के जैसे निकलता है तो हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट है। ठीक है, अब बात आती है कि वो रॉक सॉल्ट में जो कलर होता है वो मतलब थोड़ा सा, रॉक सॉल्ट जो आता है वो व्हाइट तो होता नहीं है, जो आपके पास जो काला नमक का नाम है उसका काला नमक है तो सफेद कहाँ से होगा बेचारा, सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो जो काला नमक है उस काले नमक में जो कलर आता है, जो थोड़ा सा रेडिश ब्राउनिश कलर जो आता है, वो क्यों आता है? सो उसके पीछे का रीजन है उसमें मिली हुई इम्प्योरिटीज, बहुत सारी इम्प्योरिटीज उसमें मिली होती हैं, जिसके वजह से जो उसका कलर है वो थोड़ा रेडिश या ब्राउनिश कलर का हो जाता है। तो चलिए फटाफट से इस पे आगे की कहानी की थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, सो ये है क्या? तो कॉमन सॉल्ट इज NaCl। इसको बोलते क्या है? तो इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, इसको कॉमनली क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो अपने को पता है, इसे थोड़ा उर्दू फारसी में लिख ले रहा हूं मैं, आपको पता है ये क्लोराइड है। ठीक है, चलो अब बात आती है कि इससे कौन कौन से केमिकल्स हमको मिलते हैं, तो जरा उस पर गौर फरमाते हैं हमको कौन कौन से केमिकल्स जो NaCl के इस्तेमाल से बनाए जा सकते हैं, अपन इस पर बात करेंगे। ठीक है, मिष्टी बोल रही है कि भैया रॉक सॉल्ट में अगर इम्प्योरिटीज होती है तो हार्म करता है। नहीं मिष्टी, ऐसा कुछ नहीं है कि इम्प्योरिटीज है तो वो हार्म करेगा, वो हमको हार्म नहीं करता है। हमेशा इम्प्योरिटीज से हमें हार्म नहीं होता है। जैसे प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर में जब कुछ इम्प्योरिटीज मिलती हैं तो हम पानी जो पीते हैं वो बनता है, वो इम्प्योरिटीज एक्चुअल में क्या है, हमारे लिए फायदेमंद है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि इम्प्योरिटीज खराब ही होती है, अच्छी भी होती है इम्प्योरिटीज। ठीक है, चलो ओके। मतलब ये बहुत बड़ा भ्रम है कि किसी में कोई कमियां हैं या किसी चीज में कोई मतलब थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हैं, ठीक है,
तो उससे वो चीज खराब हो जाती है। नहीं मतलब ये लाइफ में भी वैलिड है और सामानों में भी वैलिड है कि अगर कहीं कहीं कुछ कमियां जो होती हैं, कहीं कहीं वो जो मतलब कह लो कि लैगिंग्स जो होती हैं, वो उस चीज को और बेटर बना देती है। सो हमेशा इम्प्योरिटी खराब नहीं होता, इम्प्योरिटी बहुत मायनों में बहुत बार अच्छा भी होता है। ठीक है चलो। शिखर बोल रहा है देखा जाए तो काला नमक पिंक होता है। यार देखो शिखर, ठीक है मतलब पर्पल कलर बोल लो, जो बोल रहे आप, काइंड ऑफ पर्पल, ब्लैक, ब्राउन, जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो। ठीक है चलो। सो अपन बात कर लेते हैं फटाफट से कि भैया इससे कौन कौन सी चीजें बनती हैं। ठीक है, अगर मतलब कहते हैं ना कि सोने में भी अगर इम्प्योरिटी ना मिलाया जाए तो वो फिर ऑर्नामेंट या गहना नहीं बन सकता है। तो इम्प्योरिटीज कभी कभी बहुत जरूरी होती है। और एक बहुत अच्छी चीज है डायमंड। डायमंड ऐसे बहुत मतलब शाइनी होता है, बहुत चमकदार होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा न्यूज में सुनते होंगे कि कहीं तो पिंक डायमंड मिला, कहीं पर्पल डायमंड मिला। ठीक है, सो ये जो पिंक कलर, जो पर्पल कलर आता है, और उसकी वजह से उस डायमंड की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। सो ये जो पिंक कलर, पर्पल कलर या फिर लाइट रेड कलर का जो आते हैं, ये जो कलर्स आते हैं डायमंड में, वो इम्प्योरिटीज की वजह से ही आते हैं। सो बहुत बार इम्प्योरिटीज ऐसी हैं जो वैल्यू को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती हैं, उनके साथ वो एक टॉपअप का काम करती हैं, एक एड ऑन का काम करती हैं। ठीक है चलो। ब्लैक सॉल्ट क्यों महंगा होता है व्हाइट सॉल्ट से? और यार देखो बहुत सिंपल सी चीज है कि कोई चीज महंगी क्यों होती है, क्योंकि जब उसका सप्लाई कम हो। ब्लैक सॉल्ट निकालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, व्हाइट सॉल्ट है, समुद्र में जाओ भर के नमक है, निकालो लेके जाओ। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि ब्लैक सॉल्ट जो वो आसानी से अवेलेबल नहीं है इन कंपैरिजन टू व्हाइट सॉल्ट, इसलिए ब्लैक सॉल्ट जो होता है वो थोड़ा महंगा होता है। ठीक है चलो। चाट वाट खाते जितने मसाले वसाले जो खाए जाते हैं, ऊपर से जो मसाले डाले जाते हैं, उसमें मेनली ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है चलो। ठीक है कोई बात नहीं भैया, 2 रुपए किलो महंगे होते हैं। ठीक है, सो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल मिलते हैं तो फटाफट से अपन बात करते हैं। सबसे पहला केमिकल जो कॉमन सॉल्ट से हम पढ़ेंगे दैट इज NaOH। सबसे पहला केमिकल जो हमको मिलेगा दैट इज NaOH। इसके बारे में इसका कंपाउंड का नाम क्या है, कैसे बनता है, आगे पढ़ेंगे। दूसरा केमिकल जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज NaHCO3, जो इसका यूज करके बनता है। नेक्स्ट इज Na2CO3। ठीक है, और एक और भी है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में कोई खास चर्चा नहीं है तो मैं उसको हटा दूं। जैसे क्लोरीन वगैरह है, वो भी यूज किया जाता है NaCl का बनाने के लिए। सो आप कह सकते हो कि Cl2 भी जो है वो भी एक्चुअल में बन रहा होता है आपको NaOH का ही, सॉरी NaCl का ही यूज करके बनाते हैं, दैट इज Cl2। ठीक है, तो अपन फटाफट से देखते जाते हैं कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं और इनका यूज क्या है। इसको छापो और जल्दी से अपन आगे बढ़ेंगे, जल्दी से छापो इसको फटाफट। Cl2 NaOH के साथ ही बनता है, साथ में चाहो तो लिख सकते हो, साथ में चाहो तो अलग लिख सकते हो। बोलो वरना। सर अभी जो आप शुरू में बताए सर कि जो सॉल्ट होता है वो जमीन के नीचे दब के कैसे सूख गया, सर क्या नहीं समझ में आई? जमीन के अंदर नहीं बोला मैंने, बोला पत्थर बन जाता है, जमीन के अंदर नहीं बोला वो, मैंने बोला कि वो पत्थर बन जाता हुआ क्या। मान लो फॉर अ टाइमिंग एक एग्जांपल समझो, ऐसे हुआ ऐसे अर्नौ कि मान लो कहीं पे समुद्र का पानी जो था वो कहीं कलेक्ट हो गया, पानी तो सूख गया लेकिन नमक कहाँ जाएगा, तो नमक क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। तो जब सॉलिडिफाई हुआ तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज के साथ वो सॉलिडिफाई हो गया, बहुत दिनों बाद वो क्या हो गया, पथरीला बन गया। यही चीज बता रहा था मैं, डन है अर्नौ? ये नहीं बोला कि जमीन के नीचे चला जाएगा। हाँ बिल्कुल नोट करना है साहिल, ये लिखना और फिर ये इसको नीचे लिखना, इसको पॉइंट बना के, पॉइंट बना लो या नोट भी करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करके लिख लो। ठीक है करो फटाफट से। बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड है अखिलेश, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अपने पास है कि भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ये क्या चीज है, तो जरा इसके बार बार तालाब अपन करते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए करते क्या है, इस चीज को समझो। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से,
जिसको ब्राइन कहते हैं, और ये डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देता है। ठीक है, कैसे? तो मैं देखो साइड में डायग्राम बना रहा हूँ, इसको ध्यान देना इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मैं इधर साइड में बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ऐसे समझो कि ये डब्बा लिया गया। ठीक है, इस डब्बे में क्या किया गया कि आपको सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया गया। सो ये डब्बा है और इस डब्बे में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें रॉड डिप कर दिया गया। ठीक है, ये रॉड, दो रॉड डिप कर दिया गया। ठीक है, और बीच में लगा दिया गया बैटरी। चलो भैया बैटरी लगा देते हैं। सो ये बैटरी लगा दिया गया। ठीक है, अब इस बैटरी से क्या किया गया कि इन दोनों रॉड्स को कनेक्ट कर दिया गया। मेटालिक रॉड है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, सो जैसे इन दोनों को कनेक्ट किया गया, अब हमारे पास इस सॉल्यूशन में है क्या? तो ये सॉल्यूशन दो चीजों का है। इसमें क्या क्या है अपने पास? तो मैंने बोला अभी जस्ट आपसे, ये दो चीजों का सॉल्यूशन है। क्या क्या है? सो ये है NaCl और साथ में वॉटर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको कॉमनली बोला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन, BRINE, दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत जगह बुक्स में देखोगे तो और इसको ऐसे भी लिख देगा, और NaCl और ब्रैकेट में लिख देगा एक्वस। NaCl एक्वस का मतलब क्या हुआ? कहानी बिल्कुल वही है जो मैंने भी बोली, ब्राइन सॉल्यूशन। अब जैसे ही ऐसे करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर रिएक्शन होती है, और रिएक्शन कैसी होती है? सो मैं इस रिएक्शन को यहाँ लिख रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। सो रिएक्शन कुछ ऐसे होता है कि NaCl और H2O ये दोनों क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होके क्या देते हैं? तो ये गौर से देखिएगा, ये ब्रेक होते हैं और ये देते हैं NaOH जो अपने को भी काम का है, साथ में देते हैं Cl2 गैस। ठीक है, जो अब एक और भी काम का था अपने पास, और साथ में देते हैं H2 गैस। ये तीन चीजें हमको प्रोडक्ट में मिलती हैं। अब बात आती है कि तीनों चीजें कहाँ कहाँ मिलेंगी। सो NaOH जो है ये सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। सो ये जो है ये सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, सॉल्यूशन, इनसाइड सॉल्यूशन। ठीक है, ये कहीं बाहर नहीं जाएगा, ये सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। ठीक है, Cl2 क्या होगा? तो Cl2 वहां से अगर गैस निकलेगा, लेकिन कौन से टर्मिनल पे निकलेगा? ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो Cl2 किस वाले टर्मिनल पे निकलेगा? तो Cl2 जो निकलता है, ये निकल रहा होता है अपने पास एनोड पे। Cl2 कहाँ निकलता है? एनोड पे। और ये हाइड्रोजन कहाँ निकलता है? तो ये निकलता है कैथोड पे। अब एनोड और कैथोड यहाँ कौन है? तो बाबू यहाँ पे एनोड जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है, और ये निगेटिव टर्मिनल कैथोड है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से जो निकलेगी गैस, यहाँ इस टर्मिनल के पास से जो निकलेगी वो कौन सी होगी? तो वो होगी Cl2, और इस टर्मिनल के पास से जो निकलेगी वो कौन होगी? H2। और इस सॉल्यूशन में क्या बचेगा? तो सॉल्यूशन में बचेगा NaOH। सो यही कहानी है अपने पास NaOH के फॉर्मेशन का। ठीक है, अब बात आता है अपने पास कितनी चीजें मिली है। तो अपने को मिला है Cl2, H2, NaOH, ये तीन चीजें मिली है। क्या ये सारे काम की है या कुछ इसमें बेकार भी चीजें हैं? तो भाई ये तीनों बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ इन सबके काम, भैया इन सबके काम क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद आप फटाफट से आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो डाउट है तो आप पूछिएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूजेज, उसके बाद आपको मौका दूंगा लिखने का, परेशान नहीं होना। ठीक है, सो इनके यूजेज लिखते हैं, इनके यूजेज क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला अपने पास यूज, दैट इज NaOH का। NaOH का क्या यूज है भाई? सो NaOH का यूज क्या है अपने पास? तो NaOH अपने पास यूज होता है बहुत सारी चीजों में, लेकिन दो तीन इंपॉर्टेंट है। सोप इंडस्ट्री, डिटर्जेंट इंडस्ट्री बहुत काम की है, पेपर इंडस्ट्री बहुत काम की है, फाइबर इंडस्ट्री बहुत काम की है, ये तीन चीजें। ठीक है, सो मैं यहां लिख रहा हूं, सोप इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, और आपके पास कौन सा बोला? फाइबर इंडस्ट्री। ठीक है, इन तीनों में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आता है अपने पास क्लोरीन गैस, कि भैया Cl2 का आप कहाँ यूज कीजिएगा, Cl2 गैस का कहाँ यूज आएगा? सो बाबू Cl2 गैस का कहाँ कहाँ यूज आता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि Cl2 एक डिसइंफेक्टेंट है, वो जर्म्स को किल करता है। ठीक है, अगर नहीं ध्यान रहे तो ये ध्यान रखना कि Cl2 जर्म्स को किल करने का काम आता है। सो अगर जर्म्स को किल करेगा तो डिसइंफेक्ट करेगा। सो एज अ डिसइंफेक्टेंट कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? तो स्विमिंग पूल्स में यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज होता है। ठीक है, तो इस चीज को फटाफट से लिख लेते हैं, एज डिसइंफेक्टेंट इन
स्विमिंग पूल, पहला ये एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। अच्छा, वाटर ट्रीटमेंट से एक चीज बताता हूँ, पहले प्योरिट करके एक अपने पास फिल्टर आया करता था प्योरिट का, उसमें एक छोटी सी ना बोलते थे कि बैटरी लगी हुई है, वो खत्म हो जाती थी ना तो फिर बदलना पड़ता था, व्हाइट कलर का ऐसे चौक टाइप का होता था, देखते रहते थे वो खत्म हो रहा है क्या। सो वो बेसिकली जो वो चीज होती थी वो एक्चुअल में क्या होता था, वो मेनली क्लोरीन ही हुआ करता था, ठीक है। सो वो यूज किया जाता है कहाँ पे, तो भैया वाटर ट्रीटमेंट में जर्म्स को किल करने के काम आता है, ठीक है। बाकी इसमें फाइबर्स बनाने में, आपके बहुत सारे प्लास्टिक्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, प्लास्टिक इंडस्ट्री। एग्जाम्पल पीवीसी, पीवीसी बनाने में पॉलीविनाइल क्लोराइड एग्जाम्पल ही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके अलावा कहाँ यूज होता है, सो इसके अलावा यूज होता है सीएफसी बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में, इन सीएफसीज, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, सो ये मेनली Cl2 के यूजेज हो गए। नेक्स्ट अपने पास की H2 का क्या कोई यूज है, भाई H2 का भी बहुत सारा यूज है। जो एक सबसे प्राइमरी यूज है वो है एज अ फ्यूल, रॉकेट्स में जो एज अ फ्यूल यूज होता है वो क्या यूज होता है, H2 यूज होता है, ठीक है। सो पहला है क्लीन फ्यूल, ये बहुत क्लीन फ्यूल है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। एग्जाम्पल इन रॉकेट्स, रॉकेट्स में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है, सो इन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें इसमें भी पॉइंट्स के नेमिंग कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। सो ये आपके पास कहानी हो गई पूरे तरीके से कि NaCl ब्राइन सॉल्यूशन को आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या क्या चीज मिली, ठीक है। अब एक चीज और भी है जो आपको यहाँ लिख लेना है, और वो है NaOH का एक कॉमन नेम, अभी रुक जाना। सो NaOH के कॉमन नाम से और भी जाना जाता है, और इसका एक प्यारा सा नाम है, मैं यहाँ एक थर्ड पॉइंट बना के लिख देता हूँ, ठीक है। NaOH को हम एक और नाम से जानते हैं और इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, सो ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा, ये इसका कॉमन नेम है, कॉस्टिक सोडा, ये कॉस्टिक सोडा इसका कॉमन नेम है। जब दुकान पे जाओगे तो ये व्हाइट पिलेट्स, छोटे छोटे व्हाइट, जो ऐसे समझ लो छोटे छोटे व्हाइट टेबलेट्स टाइप का मिलता है दुकान पे, बोलोगे ना तो जैसे वो फिनाइल की गोली जिसको बोलते हैं ना, उस टाइप का मिलेगा, थोड़ा छोटा छोटा मिलेगा, ठीक है। सो ये व्हाइट पिलेट्स होते हैं छोटे छोटे, ये मतलब ऐसे बोलो छोटे छोटे दवा टाइप का या गोलियां टाइप का या टिकिया टाइप का मिलता है, सो ये व्हाइट पिलेट्स होते हैं, व्हाइट पिलेट्स, ठीक है। सो ये आपके पास कहानी हो गई रिगार्डिंग कि भैया NaOH बनता कैसे। अब ये जो हमने प्रोसेस लिखा था इलेक्ट्रोलिसिस का, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से। सो NaOH का जो फॉर्मेशन है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। फटाफट से ये पूरा छापो और किसी को तकलीफ हो तो पूछो। चलो, सो मैंने एक साइड कर दिया, ये डायग्राम बनाने की, ये वाला जो आपके बुक में दिया है इसको बनाने की जरूरत नहीं है, वो बस ऐसे दिया हुआ है क्या क्या बनता है, ठीक है। तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है, छापो और कहीं कोई तकलीफ हो तो पूछो। कैसे छापना है तो ये भी मैं बता दूं, अब बाकी आप अपने सुविधा के हिसाब से छाप सकते हो। पहले ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, फिर ये रिएक्शन, फिर ये डायग्राम, और लास्ट में ये यूजेस, छापो। अब मैं देख रहा हूँ, देखो कब से, तो अच्छा टॉपिक नहीं दिख रहा है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड टॉपिक है बेटा, आदिति लो मैं इसको थोड़ा इधर करता हूँ, हाँ ठीक है। चलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और फटाफट छापो। थर्ड पॉइंट, NaOH आल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। फाइबर, अच्छा फाइबर लिख। पेपर बनाने के लिए यूज नहीं करते, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं उसको साफ करने के लिए। NaOH से क्या होता है ना, साफ किया जाता है,
ठीक है, इसलिए उसका यूज किया जाता है। एनीवे इसमें एक्चुअल में क्या करते हैं कि जो थ्रेड्स होते हैं ना, मतलब ऐसे बोलो वुड पल्प जो होता है उसको डिप किया जाता है एनीवे इसमें। किसी को कहीं कोई तकलीफ हो तो फटाफट से पूछ लेना, अपन बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल शिखर, तो यहाँ डिकम्पोजिशन भी तो एक का नहीं हो रहा है ना, दो का हो रहा है एक साथ। सो दिस इज नॉट सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कभी एग्जांपल देखा डिकम्पोजिशन में ऐसा नहीं, ये डिकम्पोजिशन सिंपल नहीं है। एक्चुअल में ये एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली। ठीक है, अब कैसे है कोई बाद में बात करेंगे इस पर। अर्णव क्या चाहते हो भाई, क्या चाहते हो है अर्णव, कुछ इच्छा है बेटा, कोई कष्ट हो गया? एनोड पॉजिटिव कैथोड निगेटिव, बोलो बोलो अर्णव। सर वो दोनों जो है वो दोनों क्या है सर? बाबू एनोड देखो, जो अपने पास ये टर्मिनल, ये जो रॉड है, इन रॉड्स को बोलते हैं एनोड और कैथोड। ये वाला जो रॉड है पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो रॉड है, इसको बोलते हैं अपन एनोड और इसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, ओके सर। इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है, जिस रॉड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। अगर इलेक्ट्रोड जो जहां पे ऑक्सीडेशन हो तो बोलते हैं एनोड, जहां रिडक्शन हो तो बोलते हैं कैथोड। चीज जो है वो दो से अधिक प्रोडक्ट बना रहा है बोल सकती हो, पर प्रॉपर डेफिनेशन काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो डेफिनेशन में फिट करने की कोशिश मत करना। एक्चुअल में ये है इलेक्ट्रोलिटिक रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट डिकम्पोजिशन। हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक रेडॉक्स एग्जैक्टली। हो गया, कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा है? चलो ठीक है, मैं नीचे करता हूं ताकि आप H2 का लिख लो, छूट गया। हो गया, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट अपन आते हैं कि भैया यहाँ जो ये Cl2 निकला ना, ये Cl2 भी बड़ा जबरदस्त चीज है, तो जरा देखते हैं कैसे है। सो ये जो Cl2 है उतने तो काम करता ही है, और साथ में एक और भी केमिकल को बनाने में मदद करता है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है? सो ब्लीचिंग पाउडर तो पहले समझना पड़ेगा कि होता क्या है। सो ब्लीचिंग पाउडर जो है ये बेसिकली कुछ और नहीं है, मैं इस चीज को थोड़ा सा यहाँ सेटल करके लिखता हूँ। तो ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ब्लीचिंग पाउडर कुछ और नहीं है, ये बस एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 इस कंपाउंड का नाम है। इसको बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अब बात आता है कि भैया ये बनता कैसे है, तो इसको बनाने के लिए करते क्या है कि CaOH पहले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इसको क्या करते हैं कि ट्रीट करते हैं Cl2 के साथ। ये वही Cl2 है जो हमको मिला हुआ था NaOH बनाने के वक्त में, हम उसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे इसको बनाने के लिए, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर।
सो जैसे ही इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में बाहर में निकल जाता है वाटर, ठीक है। सो ये अपने पास बन के तैयार हो गया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अब बात आती है कि चलो ठीक है ये तो हम बना लिए, इसका यूज क्या क्या है। सो देखो भाई साहब इसका यूज क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज हमें पता है, बहुत सारे यूजेज हमें पता है। एक जो यूज है हमको पता है कि जब कपड़े में दाग धब्बे लग जाते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं दाग धब्बे को साफ करने के लिए। बेसिकली कपड़ों को साफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये ब्लीच करने का मतलब है साफ करना, काइंड ऑफ, तो साफ करने के, कपड़ों के साफ करने के काम आता है। दूसरा है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा भी काम करता है, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। सो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा भी काम करता है अगर आपके पास कहीं ऑक्सीडेशन कराना रहा तो, और उसके साथ साथ डिसइंफेक्टेंट का तो काम करेगा ही करेगा क्योंकि इसके अंदर में क्लोरीन है, तो क्लोरीन की वजह से क्या होगा, ये जर्म्स को किल करेगा। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है जर्म किलर, जो कीटाणुओं को मारता है तो जर्म्स को किल करता है, ये जर्म किलर, ठीक है। अब देखो इसका यूज देखे भी हो गए, अभी खास करके कोविड के टाइम में जितने भी वार्ड्स हैं, वार्ड्स में खास करके बिहार में बहुत जगह ऐसा देखने को मिला है, वार्ड पार्षद जो लोग हैं वो नालियां जो है नालियों के अगल बगल में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया उन लोगों ने, ठीक है। तो बहुत जगह बिहार में या फिर जहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह होते हैं या पब्लिक जो चापाकल वगैरह लगा होता है वहां पे देखोगे कि व्हाइट कलर का एक पाउडर छिड़का जाता है, दैट इज सिंपली ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जर्म्स को किल करता है इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे मतलब या फिर कहीं पे जहाँ काई वाई लग जाती है वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और भी इस ब्लीच का यूज है लेकिन वो एग्जैक्टली ये ब्लीच नहीं होता, वो थोड़ा अलग होता है इससे, ठीक है। और देखे भी हो बहुत कॉमन सा यूज है कि भाई जिनकी शादी विवाह होनी होती है तो जब वो सलून में जाते हैं, जब वो पार्लर में जाते हैं, वो लोग दोनों के लिए मेल फीमेल दोनों लोग हो, तो पार्लर वाला या सलून वाला उनको ऑफर करता है कि भैया ब्लीच कर दे क्या। सो ब्लीच करने से बेसिकली जो डर्ट्स होते हैं, जो ड्राई सेल्स होते हैं, जो ऊपर में जो गंदगी होती है, ऐसा वो कहते हैं कि साफ हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल हो जाती होगी, साफ हो जाती है, ऊपर से एक लेयर स्किन का जरूर हट जाएगा, लेकिन उसके अपने फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। फायदे डेफिनेटली ये है कि हो सकता है आपका जो फेस है वो शाइन करने लगे, लेकिन उसका नुकसान डेफिनेटली ये है कि ये पॉसिबल है तो स्किन बर्न कर दे, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। सो अगर कभी भी ऐसा हो कि अगर आपको लाइफ में कभी ऐसे कुछ कराने का जरूरत पड़ा तो कोई एक्सपीरियंस्ड या कोई ऑथेंटिक जगह वहाँ कराइएगा, अदरवाइज थोड़ा हो सकता है आपको नुकसान भुगतना पड़ जाए। हालांकि हार्ड ब्लीच नहीं होता, बहुत कम होता है वो, लेकिन सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। फेस है और फेस की इम्पोर्टेंस तो हम जानते ही हैं भैया, फेस से बहुत सारी चीज़ें, मतलब दुनिया तो भैया ये हम कितना ही बोल लेकिन हाँ दिस मैटर्स, ठीक है। सो ये कहानी हो गई ब्लीच की। अगर आपके पास कभी ऐसा हो जाए कपड़े उपड़े गंदे हो जाए, दाग वाग लग जाए, तो आप ब्लीच में डाल के उसको साफ जरूर कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कलर्ड कपड़ों में ये यूज बहुत सावधानी से कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कलर्ड कपड़ों में अगर आपने ब्लीच का इस्तेमाल किया तो उसका कलर वाइट हो जाएगा, उसके कलर को भी वो ख़त्म कर सकता है, तो बहुत सावधानी से इस्तेमाल कीजिएगा। और ब्लीच की वजह से एक और भी नुकसान डेफिनेटली है कि कपड़े जो होते हैं उनके जो थ्रेड्स होते हैं, जो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी बॉन्डिंग वीक पड़ जाती है। सो ये भी डेफिनेटली सच है कि ब्लीच की वजह से कपड़े जो है कमज़ोर हो जाते हैं। पर यही कहानी है ब्लीच की, कुछ खासियत कुछ कमियाँ दोनों ही हैं। फटाफट छापो, कोई दिक्कत हो तो पूछो। एक चीज और लास्ट पॉइंट में बताता हूँ कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर का जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है, ये एक्चुअल में ये ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला होता है। मैं लिख दे रहा हूँ पर आपको आता नहीं है, ठीक है। सो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का, वो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? सो भैया ये एक्चुअल फॉर्मूला इसका कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान रखिए। सो ये कुछ इस तरीके का होता है, CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH ट्वाइस, ठीक है। ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है, आपके किसी काम का नहीं, आप जब बड़े क्लासेज में जाइएगा तो आपको ये पढ़ना है, बट फिलहाल लिख लीजिए ताकि आपको भविष्य में ऐसा ना लगे कि बिल्कुल नई चीज है ये, ठीक है। और जो जो यूजेज बताए वो यहाँ पे यूजेज लिखे हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। फटाफट छापिए, कोई दिक्कत हो तो पूछो। चलो छापो फटाफट। बरसात में कीड़ों मकोड़ों के लिए
हाँ यार बिल्कुल, ब्लीच का यूज किया जाता है। छापिए फटाफट से, काई लग जाता है तो किस नेचर के, जिस जगह अनुभव क्या बोल रहे हो, काई तो यार ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, फंग नहीं यार उसको, एल्गी काइंड ऑफ एल्गी वेल्गी होता है ना कुछ, तो यार बायो वाले बताएंगे मुझे, कुछ काइंड ऑफ एल्गी वेल्गी होता है ना वो, तो करो फटाफट से। अरे प्लांट्स है ना अनुभव, देखो वो प्लांट है ना ठीक है, तो आप उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल के साफ कर सकते हो, आप उसमें मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हार्श इफेक्ट करती है आप उसको डाल के साफ कर सकते हो, हार्श इफेक्ट करने वाली कोई भी चीज आप उसको डालोगे तो साफ हो जाएगा। हार्श इफेक्ट इज लाइक कि एसिड्स डाल दो, ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, या बेस, मतलब बेस भी ऐसा नहीं कि बेस डालोगे तो साफ नहीं होगा, बेस भी डालोगे तो वो भी हार्श इफेक्ट दिखाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना के डाल दो तो भी साफ हो जाना चाहिए ठीक है, तो हार्श इफेक्ट की वजह से साफ हो जाता है। छापो फटाफट से, H2 का यूज, H2 का यूज होता है रॉकेट्स में एज अ फ्यूल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में उसका यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को मिक्स कैसे करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, सिकर इनको मिक्स नहीं करते, एक्चुअल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में क्लोरीन गैस को पास किया जाता है ठीक है, ऐसे मिक्स नहीं कर देते सीधे सीधे, इसको ड्रिंक कर सकते नहीं साहिल, ड्रिंक नहीं कर सकते वरना हमारे अंदर में सारा का सारा ब्लीच कर देगा ठीक है, ड्रिंक नहीं कर सकते, पर हाँ जैसे जो म्यूनिसपैलिटी वाटर पहले जो आते थे जो टैंक से आते थे, अब तो बहुत कम आते हैं, बहुत कम जगह है, पर जो टैंक से वाटर आते हैं उसमें साफ सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली क्लोरीन डालने के बजाय ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है, बट बहुत लिमिटेड अमाउंट में, कभी देखा होगा उसमें स्मेल आता है। ठीक है बिल्कुल, थोड़ा बहुत ठीक है चलेगा साहिल, थोड़ा बहुत है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया ही वाटर टैंक में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर मतलब ज्यादा ही हो गया तो खतरनाक है, थोड़ा बहुत तो ठीक है मतलब माइंड थोड़ा बहुत अमाउंट में है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डन है। चलो छाप लिए फटाफट, कोई ऐसा जो अभी तक नहीं छापा है, कोई ऐसा जिसका छापना बाकी है, चलिए छापो छापो जल्दी, और ना जल्दी छापो, छाप लिए, चलिए साहिल लास्ट में देख लेना बाबू, जगह छोड़ दो लास्ट में ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन बेकिंग सोडा पे, अब बात आता है कि भैया बेकिंग सोडा कैसे बनता है, ये क्या कंपाउंड है, कौन सा केमिकल है ये। सो बेकिंग सोडा मेनली क्या होता है, तो बेकिंग सोडा इज अ कंपाउंड दैट इज NaHCO3, इसको बोलते क्या है, देखो इसको केमिकली हम दो नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों ही बोलते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, सो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम हुआ ठीक है। ये बनता कैसे, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाते कैसे है ठीक है, तो देखो इसको बनाने का तरीका क्या है, तो इसको बनाया जाता है कुछ इस तरीके से, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 ठीक है, NaCl H2O CO2 प्लस NH3 ठीक है, तो ये इन चार चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और तब जाके ये बन पाता है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है, सो इन जब सबको रिएक्शन कराया जाता है, अब ऐसा नहीं है कि इन सबको एक साथ डाल दिया जाता है, अब बड़े हो गए तो पढ़िएगा कि इसको ना बहुत अलग तरीके से रिएक्शन कराते हैं, पर इसको शॉर्ट तरीका लिखने का यही होता है। सो हम इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो इसको बन जाता है, ये सबसे पहले NaHCO3 बनता है और साथ में एक बाई प्रोडक्ट मिलता है
दैट इज NH4Cl. NH4Cl एक बाई प्रोडक्ट मिलता है, और अगर याद करोगे तो ये कंपाउंड आपने बहुत बार सुना है NH4Cl, जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट में दो चीजें मिली, ये अपने पास हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, और साथ में अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड के पास सब्लिमेट होने का, सब्लाइम होने का उड़ने वाला नेचर होता है. हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था कि भैया अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो सब्लाइम हो सकता है. ठीक है, सो मैं फटाफट से इसके नीचे लिख देता हूँ कि भैया ये कौन कौन से कंपाउंड है. सो ये अपने पास हो गया बेकिंग सोडा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो हमको मिल गया दैट इज बेकिंग सोडा, और साथ में हमको क्या मिल गया है, तो साथ में हमको मिल चुका है अमोनियम क्लोराइड. तो दिस इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, सो इस तरीके से बना लिया जाता है बेकिंग सोडा को. अब बात आता है कि भैया बेकिंग सोडा का यूज क्या है. सो देखो, बेकिंग सोडा के यूजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे इसके यूज आते हैं. सो हम एक एक करके इनके यूजेस पे बात करते हैं. ठीक है, तो चलिए भैया थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और इनके यूजेस पे एक करके बात करते हैं. ठीक है, चलो देखो, बेकिंग सोडा का जो सबसे पहला यूज है वो अपने किचन में होता है बहुत ज्यादा. कैसे? सो बेकिंग सोडा क्या होता है कि बेकिंग सोडा जब कभी भी हीट हो या एसिड से रिएक्ट करे तो CO2 और H2O देता है. सो मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ. इस रिएक्शन को आप ध्यान दीजिएगा कि बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाता है, ठीक है, सो रिएक्शन, सो बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं NaHCO3, इसको हीट किया जाता है. सो हीट करने पे ये क्या होता है, सो ये ब्रेक हो जाता है Na2CO3 में, और साथ में हमको दे देता है CO2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, और साथ में मिल जाता है H2O. अगर आप बैलेंस करके लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे दो लगा लीजिए. ठीक है, अब बात आता है कि इसका यूज क्या है. सो देखो, इसका सबसे बड़ा यूज है कि ये जो CO2 रिलीज हुआ, ये CO2 हमारे बहुत काम आता है हमारे खाने को फ्लफी बनाने के लिए, हमारे खाने को कुरकुरा बनाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए बहुत काम आता है. केक बनाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, बाटी बनाई जाती है उसमें इस्तेमाल होता है, ढोकला बनता है उसमें इस्तेमाल होता है, इडली बनता है उसमें इस्तेमाल होता है, ठेकुआ बनता है, साहिल बोल रहा है, उसमें इस्तेमाल होता है. बिल्कुल जो भी चीजें, या पकौड़े बनते हैं उसमें इस्तेमाल होता है. सो जो भी चीजें फ्लफी बनती हैं या क्रिस्पी बनती हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज करते हैं. क्या ऐसा इसमें था जो यूज आया आपके? सो ये जो CO2 गैस है, ये गैस ही यूज आई. ये CO2 गैस क्या होता है, ये खाने में ट्रैप हो जाती है. खाने में क्या होता है ना, छोटे छोटे पोर्स में ट्रैप हो जाती है, जिसके वजह से फ्लफी या कुरकुरा नेचर जो है वो आ जाता है. ठीक है, सो ये क्या होता है, तो CO2 ट्रैप्ड इन फूड मेक्स इट फ्लफी. ये इसको क्या बना देता है, फ्लफी बना देता है. ठीक है, और हमको खाने का मजा आता है. सो अब तो ये समझ में आ गया कि भैया हमको खाने का मजा तो मिलने लगा, लेकिन एक समस्या है जीवन में. वो समस्या का जो जड़ है वो ये नालायक है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट. अब क्या जड़ है भैया? सो इसका जो टेस्ट होता है ना, कड़वा होता है. तो भैया केक में अगर डाल दिए सोडियम बाइकार्बोनेट, केक फ्लफी तो हो जाएगा लेकिन कड़वा हो जाएगा. तब उस कड़वेपन से बचने के लिए क्या करें? सो उस कड़वेपन से बचने के लिए एक एसिड का इस्तेमाल करते हैं. नॉर्मली वो एडिबल एसिड होनी चाहिए, काम चलाओ जो यूज करते हैं दैट इज टार्ट्रिक एसिड. ठीक है, सो कड़वेपन से बचने के लिए शुगर का इस्तेमाल नहीं करते. क्या करते हैं कि जो आपका ये जो सोडा, बेकिंग सोडा जो है, इस बेकिंग सोडा में पहले से ही एक ड्राई एडिबल एसिड डालकर छोड़ दिया जाता है. नॉर्मली टार्ट्रिक एसिड होता है. वो करता क्या है, वो भाई साहब करता है कि इसके साथ रिएक्शन कर जाता है, और रिएक्शन करके इसको न्यूट्रलाइज कर देता है और इसके कड़वेपन को खत्म कर देता है. याद करो, हमने पढ़ा था कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स, दोनों में से किसी का भी रिएक्शन हो, उनके साथ अगर एसिड रिएक्ट करती है तो उनके साथ क्या बनाती है, सॉल्ट बनाती है, CO2 बनाती है, H2O बनाती है. सो वहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा, उसका जो वहाँ पे बिटरनेस है उस बिटरनेस को खत्म कर देगा, और साथ में CO2 भी निकलेगा, वो और काम आएगा अपने. ठीक है, सो इस तरीके से हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर लेते हैं. अब बात ये आती है कि बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड दोनों मिला के जो हमें मार्केट में मिलता है, क्या वो भी बेकिंग सोडा ही कहलाता है? तो नहीं, उसको हम बेकिंग पाउडर कहते हैं. तो एक छोटा सा डिफरेंस है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में. तो ध्यान दो, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है. तो ये लिखा हुआ भी है पॉइंट्स में, और यहाँ साइड में मैं लिख रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा.
सो बेकिंग पाउडर जो है, ध्यान देना, बेकिंग पाउडर जो है ये एक्चुअल में क्या है? सो एक्चुअल में मिक्सचर है बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड का. सो बेसिकली बेकिंग पाउडर क्या है? सो ये बेकिंग बेकिंग सोडा और प्लस एक एडिबल एसिड. नॉर्मली टार्टरिक एसिड होता है, एडिबल मतलब खाने लायक एसिड. सारे एसिड को तुम खा नहीं सकते. सो खाने लायक एसिड, एडिबल एसिड और बेकिंग सोडा का एक मिक्स. ये तो बेकिंग सोडा नहीं, एक्चुअल बेकिंग पाउडर खरीद के लाना होता है जो कि खाने में इस्तेमाल होता है. फटाफट से इस पूरे कहानी को छापिए और कहीं कोई तकलीफ है तो पूछिएगा, छापिए फटाफट से. और यूजेस पे मैं थोड़ा और बात कर लूंगा. छाप लो पहले, फिर मैं यूजेस पे और थोड़ा बात कर लूंगा कि और भी इसके क्या यूज हो गए. छापिए पहले इस पूरे कहानी को. बेकिंग सोडा प्लस लेमन यूज कर सकते हो, बेकिंग सोडा लेमन भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, करो फटाफट से. हाँ बिल्कुल, पूरे यूजेज लिख लो. एक ही बार लिख रहे हो तो पूरा ही लिख लो, फिर मैं आपको दो और जो यूजेज है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. छोटे छोटे से पहले भी पढ़े हैं दोनों यूज, तो छाप लो फिर लास्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. बिल्कुल अखिलेश, पूरा लिखना है, बिल्कुल पूरा लिखो. यूजेज भी लिखना है आपको. एडिबल एसिड, बोलो अर्नव कहाँ बोल रहे हो? अर्नव कहाँ पे? रिएक्शन में NaHCO3, नीचे में कुछ नहीं, टिक लगाया हुआ है, बस टिक लगाया हुआ है. हीट Na2CO3 CO2H2O, CO2 के नीचे ट्रैप्ड इन फूड मेक्स इट फ्लफी. चलिए, दो यूजेज इसके और भी हैं. क्या दो यूजेज हैं? सो एक हमने बहुत पहले पढ़ा था भैया, जब एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज कर सकते हैं या फिर बेकिंग सोडा भी यूज करते हैं. सो एक तो है कि अगर आपके पास एसिडिटी हो जाती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, सो यूजेज में देखिए, दूसरा पॉइंट
दैट इज कि भैया इसका यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो यूज ऑल्सो एन इंग्रीडियंट इन एंटेसिड. एंटेसिड में यूज होता है बींग अल्कलाइन, चूंकि वो बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है, इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ. तो हमको पता है ऑलरेडी, हम पढ़े हैं कि भैया इसका यूज किया जाता है एज अ एंटेसिड. लास्ट पॉइंट, ये सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर में भी यूज होता है. ये कैसे होता है ये मैं समझाता हूँ, इसका रिएक्शन लिख दूंगा. ठीक है, सो सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर में क्या होता है कि NaHCO3 क्या करता है, रिएक्ट करता है H2SO4 से. H2SO4 उसमें डाल के रख दिया जाता है. ठीक है, जैसे रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, ये बना लेता है, या HCl भी यूज करते हैं दोनों. ठीक है, सो ये बना लेता है Na2SO4 बनाता है. साथ में निकलता यहाँ क्या है, तो हमारे पास साथ में निकलता यहाँ पे है CO2, जो अपने काम का है, साथ में H2O. अब ये जो मेनली CO2 है, ये CO2 क्या करता है, तो ये फायर को बुझाने में काम करता है, ये फायर एक्सटिंग्विश का काम करता है. इसके वजह से आग के चारों तरफ CO2 का एनवायरनमेंट बन जाता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को वो रोक देता है, और जिस वजह से वहाँ आग जो होती है वो बुझ जाती है. तो ये क्या करता है, ये फायर को एक्सटिंग्विश करता है, फायर एक्सटिंग्विशर. ठीक है, सो इस तरीके से ये सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है. फटाफट छापिए सारी चीजें, कहीं कोई तकलीफ हो तो पूछ लीजिए. पूरा लिखना बिल्कुल सारे. हो गया सबका? कोई ऐसा जिसका कुछ बचा हुआ है लिखना? नहीं है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लास्ट टाइम लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो. चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं, दैट इज वॉशिंग सोडा. क्या होता है वॉशिंग सोडा, ये ऑलरेडी हम एक्चुअल में पढ़ लिए. क्या पढ़ लिए? सो देखो, वॉशिंग सोडा होता है दैट इज सोडियम कार्बोनेट, जो अभी हम जस्ट पढ़े थे, .10H2O. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको बोलते हैं. ठीक है, इसका पूरा नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. तो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा. दिस इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट. सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका पूरा नाम है. अब बात आती है ये बनता कैसे है. ठीक है, तो देखो इसको बनाया कैसे जाता है. तो अभी जस्ट हमने जो रिएक्शन पढ़ी उसी के थ्रू ये बनता है. कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं, करते क्या है कि NaHCO3 लेते हैं, इसको हीट करते हैं. इसको जैसे हीट किया, तो अभी जस्ट रिएक्शन पड़ा था कि भैया ये बनेगा Na2CO3, साथ में बनेगा CO2, साथ में बनेगा H2O. ठीक है, तो CO2 और H2O अब अपने काम का नहीं है. लास्ट वाले रिएक्शन में CO2 अपना इम्पोर्टेंट था, काम का था. सो यहाँ जो ये बना Na2CO3, एक्चुअल में यही जो है इसी का इस्तेमाल करके वॉशिंग सोडा बनता है. सो ये Na2CO3 है ना, इसको बोलते हैं, इसका नाम है दैट इज सोडा एस. इसको बोलते हैं सोडा एस. सोडा एस का मतलब क्या हुआ, जला हुआ सोडा या राख, सोडे का राख. अब ये जो सोडा एस है, फिर इस सोडा एस को क्या किया जाता है नेक्स्ट स्टेप में, इस सोडा एस को Na2CO3 को हाइड्रेट किया जाता है. बेसिकली ऐसे समझो ना कि पानी इसको दिया जाता है, वाटर का सप्लाई किया जाता है. ठीक है, सो इसको जब हाइड्रेट किया जाता है, हाइड्रेट किया जाता है, सो ये अपने पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है वॉशिंग सोडा. That is Na2CO3.10H2O. और ये अपने पास क्या बन के रेडी है, That is washing soda. Washing soda. ठीक है,
सो ये बनाने का इसका तरीका है, पहले हम क्या करते हैं बेकिंग सोडा को लेते हैं, बेकिंग सोडा को हीट करके सोडा एस बनाते हैं, फिर सोडा एस को हाइड्रेट करते हैं तो क्या बनता है वॉशिंग सोडा। अगर वॉशिंग सोडा को हीट कर दिया गया, अगर हीट कर दिया गया तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, मतलब वॉशिंग सोडा को हीट कर दो तो क्या मिल जाएगा सोडा एस और साथ में क्या मिल जाएगा वाटर मिल जाएगा। सो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस रिएक्शन को भी कि Na2CO3 को अगर हीट कर दी, Na2CO3.10H2O जो है 10H2O अगर इसको हीट कर दिया गया तो ये क्या दे देगा, तो ये दे देगा Na2CO3 और साथ में दे देगा 10H2O। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट का मतलब समझो, हाइड्रेट का मतलब होता है पानी दे देना, वाटर का सप्लाई कर देना। हम बोलते हैं ना शिखर हम डिहाइड्रेट हो गए, पानी हमारे से निकल गया, हमको पानी मिल गया तो हम बोलते हैं कि हम हाइड्रेट हो गए। सो बेसिकली वाटर दे देना उसको, ठीक है। सो इस तरीके से इसका होता है मैन्युफैक्चरिंग, ये जो दोनों स्टेप्स हैं, ये दोनों स्टेप यूज किए जाते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये लिख लेना, ठीक है, ये दोनों स्टेप किसके लिए है। सो इस तरीके से बनाया जाता है वॉशिंग सोडा, तो ये मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में अपने पास चर्चा है। अब बात आती है कि इसका यूज क्या है, तो जरा इसके यूज पे गौर फरमाते हैं, इसका क्या यूज है। बिल्कुल कॉमन सा यूज है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। दूसरा है सोडियम के कंपाउंड सच एज बोरेक्स बनाने के काम आता है। बोरेक्स क्या होता है, देखो एक बचपन में एक कहावत सुने होगे, सोने पे सुहागा, सुनार के यहाँ जाओगे तो बोरेक्स वो रखे रहते हैं, ठीक है। जो सुहागा होता है, जो सोने पे सुहागा वर्ड यूज किया जाता है, व्हाइट कलर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, दैट इज नोन एज बोरेक्स। तो बोरेक्स को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसका क्या है, तो भैया घरों में साफ सफाई के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, घरों में साफ सफाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक और भी चीज है इसका खास बात, ये परमानेंट हार्डनेस वाटर कहलाता है। अब आपको परमानेंट हार्डनेस नहीं पता क्या होता है तो फिलहाल के लिए छाप लीजिएगा, आगे मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है परमानेंट हार्डनेस, फर्दर चैप्टर्स में आपके पास आएगा। सो परेशान नहीं होइएगा, ये चार इसके यूज है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में, सुहागा बनाने के लिए दैट इज नोन एज बोरेक्स बनाने के लिए, उसके बाद घरों में साफ सफाई करने के लिए, और परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फटाफट छापिए, कहीं कोई तकलीफ है तो पूछिए, मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूं। हाँ छापिए फटाफट से। सर्फ एक्सेल एक डिटर्जेंट है शिखर, सर्फ एक्सेल जो है वो एक डिटर्जेंट है, ठीक है। फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, भाई फॉर्मूले में क्या दिक्कत है अखिलेश, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट DECA, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, बोरेक्स सुहागा को बोलते हैं साहिल, सुहागा कहावत है ना सोने पे सुहागा, वही सुहागे को बोलते हैं बोरेक्स। शुभम फोर्थ पॉइंट बोलता है परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए वाटर का, परमानेंट हार्डनेस आपको नहीं पता क्या होता है सो परेशान नहीं हुई है, आप इसको बाद में पढ़िएगा परमानेंट हार्डनेस क्या चीज, अभी परेशान नहीं हुई है, ठीक है। सुहागा एक कंपाउंड, देखो जब सुनार के दुकान पे जाओगे तो आपको सुहागा डालते हैं गोल्ड में जब उसको मेल्ट कर रहे होते हैं, तो ठीक है।
व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है। छाप लिया सबने? चलो जल्दी जल्दी छापो, जल्दी जल्दी छापो। Na2CO3 को सोडा एस कहते हैं शाहिल। Na2CO3 का नाम है, सोडियम कार्बोनेट का नाम है सोडा एस। चलिए नेक्स्ट आते हैं और एक टॉपिक है अपने पास कि क्या सही में क्रिस्टल सूखे होते हैं, क्या सॉल्ट सही में सूखे होते हैं। So, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड होते हैं। हम लिक्विड जैसा दिखेगा नहीं पर वो ट्रैप्ड होगा। एग्जांपल ऐसे समझो कि भैया बहुत सारी चीजें हमको दिखती है, जैसे रोटी है। अब रोटी जब पक जाता है तो हमको लगता है वो सूखा है, चावल है पक जाता है तो लगता है सूखा टाइप है, ठीक है। रोटी है या आलू है, आलू हमको लगता है कि वो सूखा है। सब्जियां हैं हमको लगती है सूखी है, पर एक्चुअल में सूखी होती है नहीं होती है। उसको धूप में रख दो तो क्या करेंगे, वाटर लॉस करके और सिकुड़ जाएंगे। So, उनमें वाटर रहता है पर हमें गीला गीला बिल्कुल नहीं दिखता। वैसे सॉल्ट्स की कहानी है, बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे हैं जिसमें वाटर रहता तो है लेकिन हमें वो गीला गीला या हमें वाटर दिखता नहीं है। लेकिन कुछ केसेज ऐसे होते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको करने के बाद वो वाटर हमें दिखने लगता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रोटी को और सुखाया और गर्म किया तो और वो हार्ड हो गया, उसमें से वाटर वेपर निकला, हमको पता चला उसमें वाटर वेपर था, वाटर था उसमें, ठीक है। सो कहते क्या है कि जो सॉल्ट्स में जैसे वाटर मॉलिक्यूल जो रहता है, सॉल्ट्स के साथ क्या होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं उन वाटर मॉलिक्यूल के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कॉपर सल्फेट जो सॉल्ट है इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल होता है, सोडियम कार्बोनेट में हमने अभी जस्ट देखा कि 10 होता है, कैल्शियम सल्फेट जो होता है इसमें जब जिप्सम बनाएगा तो 2 होगा, जब ये जिप्सम के अलावा अगर ये POP बनाएगा तो 1.5 होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो सॉल्ट्स हैं इन सॉल्ट्स में वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड होते हैं, ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो ट्रैप्ड है इनको बोलते क्या है, सो यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो कहता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो सॉल्ट में ट्रैप्ड होते हैं हम उनको बोलते हैं कि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। सो यहाँ क्या लिखने वाले अपन, सो वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड, वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड, ट्रैप्ड इनसाइड, इनसाइड सॉल्ट्स, सॉल्ट्स के अंदर में जो ट्रैप्ड होते हैं उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब कोई बोलेगा कि बताओ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कॉपर सल्फेट में कितना होगा, तो बोलोगे कि कॉपर सल्फेट में 5 होगा। सोडियम कार्बोनेट में कितना होगा या वॉशिंग सोडा में कितना होगा, तो बोलोगे 10 होगा। जिप्सम में कितना होगा, CaSO4.2H2O को बोलते हैं जिप्सम, जिप्सम में कितना होगा, तो 2 होगा। अच्छा, इसी तरह का एक नाम है कैल्शियम, ये कॉपर सल्फेट और 5-हाइड्रेट का, क्या नाम है कोई बताएगा मुझे, इसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट के अलावा इसका एक कॉमन नेम है, इसका और भी एक नाम से जाना जाता है इस कंपाउंड को, कोई बताएगा मुझे किस नाम से जाना जाता है?
चलो कोई बात नहीं, तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, कॉपर सल्फेट डॉट फाइव H2O को किस नाम से जाना जाता है, एक और भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, सो अपने पास कहानी हो गई कि भैया ये जो वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड है इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, एग्जाम्पल यहां मैं लिखता हूँ जिप्सम को, जिप्सम क्या है भैया, सो जिप्सम अपने पास है दैट इज जिप्सम, ये अपने पास है दैट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको बोलते हैं जिप्सम। तो भाई साहब जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है, इस जिप्सम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, तो आप बोलोगे इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, दो है। तो यहाँ मैं नीचे में लिख रहा हूँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा, सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें कितना होगा, तो आप कहिएगा इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा, दो होगा। अब बात आती है कि क्या ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमेशा रहेगा, क्या इसको हटाया नहीं जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। अगर आपने सॉल्ट को हीट कर देना है, अगर आप सॉल्ट को हीट कर दीजिएगा तो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हो सकता है कि थोड़ा गंवा दे, हो सकता है पूरा गंवा दे। मतलब कि कभी कभी हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो होता है कि पूरा ही वाटर निकल गया वहां से, जैसे गेहूं भी सुखाया जाता है ना, तो गेहूं में एक बार में ना पूरा का पूरा नहीं सूखता, तो हो सकता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूरा निकल जाए, हो सकता है कि थोड़ा निकले। क्या ये जरूरी है कि सारे सॉल्ट में होगा, नहीं, ये किसी में हो भी सकता है किसी में नहीं भी हो सकता है। सो वो सॉल्ट के नेचर पे डिपेंड करता है कि किसमें होगा किसमें नहीं होगा, बाकी हम बैठ के नहीं बता सकते कि किसी मतलब श्योर शॉर्ट कि होगा ही या नहीं होगा, ठीक है। चलो सो हम यहाँ पे एक पॉइंट बना के अपन लिख रहे हैं इसको, देखो इस चीज को ध्यान दो नीचे वाली रिएक्शन को। सो बोलता है कि कॉपर सल्फेट को अगर फाइव हाइड्रेट को अगर आपने हीट कर दिया, इसको अगर आपने हीट कर दिया तो इसका जो कलर है वो हो जाता है व्हाइट कलर का, और ये अपने पांचों वाटर मॉलिक्यूल को छोड़ देता है, वो पांचों वाटर मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल जाते हैं। ये जो पांच वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं ये क्या होते हैं कि अगर आप एक्सपेरिमेंट जो है वो एक टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो, मान लो इस टेस्ट ट्यूब में ये रखा कॉपर सल्फेट को और इसको हीट कर दिया, तो ये जो कॉपर सल्फेट को इसमें रख के हीट किया तो आपको देखने को क्या मिलेगा, सो आपको देखने को ये मिलेगा यहाँ पे कॉपर सल्फेट को यहाँ पे हीट किया तो आपको एक ऑब्जर्वेशन मिलेगी, और कैसा, तो पहले इसका कलर ब्लू था अब इसका कलर व्हाइट हो जाएगा, पहले कलर ब्लू था अब इसका कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। और व्हाइट क्यों होगा, तो व्हाइट इसलिए होगा क्योंकि ये क्या करेगा, अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा, और वाटर मॉलिक्यूल को लूज करने की वजह से इसका कलर ब्लू से व्हाइट हो जाता है। सो कॉपर सल्फेट डॉट फाइव H2O को हीट करने पर इसका व्हाइट कलर हो जाता है और साथ में पांच वाटर मॉलिक्यूल छोड़ देता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट को हीट करने पर उसका कलर क्यों बदलता है, तो इसलिए बदलता है क्योंकि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को छोड़ देता है, वहां से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बाहर निकल जाता है। एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट को हीट करने पे टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट क्यों दिखते हैं, वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकला वो वहीं पे कलेक्ट हो गया, कंडेंस हो गया, तो हमको इस जगह पे ये ड्रॉपलेट टाइप की चीज दिखती है। क्यों दिखती है, तो ये जो पांच वाटर मॉलिक्यूल है ये कलेक्ट हो जाता है एज अ ड्रॉपलेट टेस्ट ट्यूब के अगल बगल में, ठीक है। सो ये कहानी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, ठीक है। थोड़ा और भी आगे इसको पढ़ेंगे एक और कंपाउंड के लिए। गुड मिस्टी, CuSO4 को मिस्टी ने बताया कि इसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, बिल्कुल सही बात है, CuSO4 को ब्लू विट्रॉल बोला जाता है, और FeSO4.7H2O को क्या बोला जाता है, ग्रीन विट्रॉल बोला जाता है, ठीक है। तो इसका एक और जो नाम मैंने आपको होमवर्क दिया था वो मिस्टी ने मुझे बता दिया कि भैया क्या बोलते हैं, तो भैया सारे लोग ध्यान रखिएगा इसको बोला जाता है ब्लू विट्रॉल, ठीक है, गूगल नलायक को, चलो ब्लू विट्रॉल इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा और इसको बोला जाता है जिप्सम। तो फटाफट से ये पूरी कहानी छापिए और किसी को कहीं तकलीफ हो तो पूछिए, फटाफट से छापिए पूरी कहानी, शुरू हो जाइए। NaCl में नहीं होगा रिया, NaCl में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, हालांकि उसमें एक नेचर होता है कि वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को ले लेता है वो, लेकिन उसमें होता नहीं है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
चलिए सो ये अपना लास्ट टॉपिक है आज का। अगले क्लास में एक छोटी सी टॉपिक बची है, दैट इज जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको पढ़ेंगे और ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। ठीक है, ये बता दीजिए कि इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, बताइए कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अब पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट लिख देता हूँ, दैट इज KMnO4 होता है अनुभव, और उसका कलर जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। अपूर्वा बोल रही है कि कार्बन एंड कंपाउंड, अर्णव बोल रहा है मेटल्स एंड मेटल्स। चलो सबको अपने अपने मैसेज करो, मैं देखता हूँ कि किसका क्या आता है, सबसे अधिक किस पे वोट्स आते हैं। तीन कंपाउंड, तीन चैप्टर्स बचे हैं, मेटल्स एंड मेटल्स, प्रेडिक्टेबल और कार्बन एंड कंपाउंड। सो जल्दी जल्दी बताओ, देखा जाए जरा मैक्सिमम वोट्स किसको मिलते हैं। पोल बना दूं? नहीं नहीं मैं ऐसे मैसेज देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो दो के बीच में टफ कंपटीशन है, मेटल्स नॉन मेटल्स और पीरियोडिक टेबल के बीच में। चलो ठीक है, सो दोनों में से कोई एक स्टार्ट कर लेंगे। और क्या, कुछ लोगों ने कार्बन कंपाउंड भी बोला है पर कम लोग हैं, अधिकतर लोग मेटल्स नॉन मेटल्स में है और पीरियोडिक टेबल में है। बोलो अर्णव, बोलो सर। कह रहे हैं कि सर इससे पहले सर जो दो चैप्टर है सर, इसमें इतना सारा रिएक्शन, इसको कैसे याद करेंगे सर इतना सारा? बाबू याद तो करना पड़ेगा, इसका क्या उपाय है, इसका एक उपाय सर, लिख के उसको लिखो, जितने रिएक्शन है। एक और भी तरीका है, सारे रिएक्शन को एक पेज पे लिखो और जहाँ पढ़ते हो उसके सामने चिपका दो, याद हो जाएंगे सारे रिएक्शन। उसको ऐसे करना नहीं कि उसको याद करना, बस उसको कभी कभी टाइम मिले तो उसके एक बार नजर डाल देना, नजर डालते रहोगे डालते रहोगे वो सारे रिएक्शन याद हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। कह रहे थे कि सर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तो शुरू मत करिएगा सर, 10th का सबसे बड़ा चैप्टर वही है। ठीक है चलो, मैं कार्बन कंपाउंड नहीं शुरू कर रहा। ठीक है, ऐसे बहुत कम लोगों ने बोला कार्बन कंपाउंड, अधिकतर लोग का प्रेडिक्टेबल या फिर मेटल नॉन मेटल पे है। चलो कार्बन कंपाउंड और ऑफलाइन में पढ़ेंगे यार, उम्मीद करते हैं कि उसको ऑफलाइन में पढ़ा जाए। मजेदार चैप्टर, बहुत मजेदार चैप्टर है, मतलब क्लास 10th में अगर कोई चैप्टर है जिसमें दम है, जो पढ़ने में मजा आता है, दैट इज कार्बन कंपाउंड, अकेला मजेदार चैप्टर। बाकी तो ठीक है, बाकी तो मतलब ठीक है, ओके है, बट कोई चैप्टर जो मजा है पढ़ने में वो कार्बन कंपाउंड है। भारती भवन में बुक में बॉन्ड्स पे भी चैप्टर है शिखर, वो कार्बन कंपाउंड में ही है यार, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, उसके बारे में, वो उसी का एक पार्ट ही है। ठीक है चलो, इसको नीचे करता हूँ। अभी तक तो जो चैप्टर्स पढ़े ना वो मेमोरी बेस्ड है, लेकिन कार्बन कंपाउंड जो है ना वो एक्चुअल में मतलब थोड़ी समझने वाला, थोड़ा बुद्धि लगाने वाला चैप्टर है। सो क्लास 10th में एक ही तो चैप्टर है जो मजेदार है। हाँ बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है तो जा सकते हो, आज की सभा समाप्त है, किसी का कोई डाउट नहीं है, कुछ पूछना नहीं है तो जा सकते हो, सभा समाप्त है। अगले क्लास में फिर अपन पढ़ेंगे इसका लास्ट टॉपिक और न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होते ही आधी जनता का है, चलो ठीक है। एल्यूमिनियम और कैल्शियम क्लोराइड गिव AlCl3Cu में लेफ्ट हैंड साइड में Al सिंगल है लेकिन राइट हैंड साइड में कैसे? अनुभव रिएक्शन कर रहा है ना, रिएक्शन करेगा तो बैलेंस करो उसको, Al और CuCl2 को बैलेंस करो, तो Al के आगे क्या लगा लो, Al के आगे आप बैलेंस करने के लिए लगा लो, देखो CuCl2 है ना, तो AlCl3 के आगे लगाना, जो राइट में लिखो उसके आगे 2 लगाना और CuCl के आगे 3 लगाना, CuCl2 के आगे, और Al के आगे फिर आपको फिर 2 लगा लेना, काम खत्म, बैलेंस हो जाएगा। लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ाए, फर्स्ट पढ़ा दिए, सेकंड पढ़ा रहे हैं, अब थर्ड पढ़ाएगा। अच्छा लाइन बाय लाइन पढ़ाओ, मिस्टी बोल रही है, अच्छा ठीक है बिल्कुल, लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं अपन और चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मिस्टी, चलो ठीक है। Cl2 से Cl3 भाई वो फॉर्मूला, अनुभव वैलेंसी, Cu का वैलेंसी था 2, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर CuCl2 बना लो, रिएक्शन में लिख देता हूं यहाँ पे Al प्लस CuCl2 गिव्स AlCl3 प्लस Cu, इसको बैलेंस कर लो। क्या करना है, कैसे बैलेंस करना है, तो यहाँ लगा लो 2, यहाँ लगा लो 3, यहाँ लगा लो 2 और यहाँ लगा लो 3, हो गया बैलेंस, डन है। इसका वैलेंसी है ना 2, तो 2 नीचे गया, इसका 1 है तो 1 नीचे आया, 1 को तो लिखते नहीं है,
डन है अभिनव, आ गया साहिल, आ गया डन है अभिनव, ने कौन पूछा था, अनुभव, ठीक है चलो ओके। सो फर्स्ट स्लाइड किसी, हाँ लो साहिल देख लो फर्स्ट स्लाइड, हाँ ये है फर्स्ट स्लाइड। और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है पूछ सकते हो, बाकी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का डाउट है कोई, कुछ पूछना है फटाफट से पूछ लो। यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला स्लाइड, चलो कंप्लीटली आयोनाइजेज इन वाटर का मतलब होता है अभिनव कि जैसे पानी में डाले तो ब्रेक हो जाए, जैसे NaCl जो ब्रेक होके Na plus Cl minus दे देता है, ठीक है। सो अगर कोई भी चीज वाटर में डालने के बाद वो अपने आयन्स जो उसके हैं वो ब्रेक हो जाए तो हम बोलते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, अगर आयन्स ब्रेक नहीं हो तो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है। आयनिक कंपाउंड आसानी से आयोनाइज होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड आसानी से आयोनाइज नहीं होते। बोलो साहिल। से एक मिनट रुकिए ना, बस उसी में फर्स्ट वाले स्लाइड में। अच्छा एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ठीक है, ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है डन सर। डन है, और किसी का कोई डाउट है? चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त है, अगले क्लास में फिर आई कहानी कंटिन्यू करेंगे। किसी का स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे, देखने से मतलब देखो कि कितने डोले सोले स्ट्रेंथ पता चल जाएगा अभिनव। किसी का स्ट्रेंथ पता करने के लिए तो ये देखना पड़ेगा ना किसका स्ट्रेंथ पता करना है, एसिड का बेस का। देखो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजें, मतलब अलग अलग नियम होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही डंडे लोगे और सबको लगा दोगे। देख के हम नहीं पता कर सकते अब कभी भी, देख के नहीं, हमको पीएच मेजर करना ही पड़ेगा, ठीक है। और देख के ऐसा कुछ नहीं होता कि देखा और पता चल गया, तब उसको एक काम करो रिएक्शन कराओ, फिर उसको किसी चीज पे डालो रिएक्शन कराओ, देखो रिएक्शन कितनी विग्रस है, बहुत विग्रस है मतलब बहुत स्ट्रांग है, उतनी विग्रस नहीं है तो उतना स्ट्रांग नहीं है, बाकी ऐसा कोई तरीका नहीं है, पीएच ही मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। कलर वलर से नहीं पता चलेगा, कलर वलर बोलो बोलो बोलो, अपने क्वेश्चन पूछ के जाओ, बोलो अनुभव।